जानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को मोहम्मद नबील की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सैर करेंगे शुमाली अफ्रीका के एक इस्लामी मुल्क लेबिया की। लेबिया जिसे कदीम जमाने में यूनानियों ने शुमाली अफ्रीका का नाम दिया था, हजारों साल कदीम है और इस मुल्क में आज भी वो तमाम आसार मौजूद हैं जो किसी भी मुल्क की तारीख का पता देते हैं। आज की इस वीडियो में हम लेबिया की तारीख जानेंगे और साथ ही साथ इस मुल्क के उन सभी दिलचस्प हकाइक पर भी बात करेंगे जिनसे ज्यादातर लोग नावाकिफ होंगे। लेबिया का नाम जब भी हमारे जहनों में आता है तो एक इस्लामी लीडर कर्नल कजाफी का नाम सबसे पहले दौड़ने लगता है। हम इस वीडियो में लीबिया के तमाम अदवार पर तो बात करेंगे मगर कर्नल कजाफी के अरूजो जवाल की कहानी हम यहाँ शेयर नहीं करेंगे क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो ये वीडियो एक घंटे की हो जाएगी। कर्नल कजाफी कौन था, उसने लेबिया पर कब्जा करके इस्लामी कानून क्यों नाफिज किया, अमेरिका और यूरोपी कर्नल कजाफी से क्यों डरते थे, इन सब सवालों के जवाब के लिए आप हमारे दूसरे चैनल आई स्टूडियो को विजिट कर सकते हैं जहां आपको तारीख में गुजर जाने वाले अफराद, हुक्मरानों, खिलाड़ियों और हर उस इंसान की वीडियो मिलेगी जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। हमारे इस चैनल आई स्टूडियो की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वीडियो के मुकम्मल होने के बाद आप स्क्रीन पर मुअम्मर कजाफी की वीडियो पर प्रेस करते हुए हमारे चैनल आई स्टूडियो पर भी पहुंच सकते हैं। एक बार फिर से नए आने वाले दोस्तों को मैं जानी टीवी में खुश आमदीद कहता हूं और दरख्वास्त करता हूं उन सभी नए नाजरीन से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सैर सियाहत और तारीख पर बनाई जाने वाली सभी वीडियोज आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। दोस्तों कहा जाता है कि एक ऐसा वक्त था जब लेबिया में हर तरफ सरसब्जा हुआ करता था, फिर मौसम ने रंग बदला और तब्दीलियों की वजह से इस खित्ते का नक्शा ही बदल गया। अब इस मुल्क में 11 लाख मरबा किलोमीटर से ज्यादा रकबा सहराओं पर मुश्तमिल है और ये उसी सहरा का हिस्सा है जिसे सहारा डिजर्ट या सहराए आजम भी कहा जाता है। इस सरजमीन पर कौन से नबी गुजरे, कौन सी कौमें रहती थी, खुदा का इन पर क्या अजाब नाजिल हुआ जो यहाँ की हरियाली को अपने साथ ले गया, ये सब तो नहीं मालूम मगर तारीखी कुतुब का मुतालिया करने पर पता चलता है कि इस इलाके में हरियाली हुआ करती थी। इंसानों की यहाँ 8000 कबल मसीह की जिंदगी के आसार भी मिले हैं मगर फिर आने वाली 5 सदियों तक इस खित्ते से आबादी बिल्कुल खत्म हो गई क्योंकि इस अरसे के दौरान का आज तक कोई भी ऐसा निशान नहीं मिला जो ये साबित करता हो कि यहाँ कोई इस अरसे में रहता था। मगर फिर कुछ सदियों बाद यानी 3300 कबल मसीह में एक बार फिर से इंसानी आबादी के शवाहद मिलते हैं। कहा जाता है दूसरी बार यहाँ वही लोग जुनूब की जानब से आकर आबाद हुए थे जिन्होंने मराकश में आबादकारी की और आज भी वही नस्ल मराकश में आबाद है। लेबिया में आबादकारी करने वाले कबीलों में बर्बर कबीले का नाम आज भी लिया जाता है। ये वही कबीला था जिसने आगे चलकर तारीख इस्लाम को तारक बिन ज़ियाद जैसा बेटा दिया था। बर्बर कबाइल के यहाँ बसाव के बाद फारसी यानी कदीम ईरानी सल्तनत का यहाँ कब्जा हो गया, फिर सिकंदर आजम और फिर ये मुल्क मिस्री हसीना कैलोपत्रा के कब्जे में चला गया। कैलोपत्रा की हुकूमत के खात्मे के बाद रूमियों ने इस मुल्क पर कब्जा कर लिया और रूमी सल्तनत यहाँ कायम हो चुकी थी। 5वीं सदी ईस्वी में रूमियों से जन्म लेने वाली बाजंतीनी हुकूमत यहाँ काबिज हो गई। सन 647 ईस्वी में हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु की क्यादत और हजरत अब्दुल्ला बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु की सिपा सालारी में मुस्लिम फौज ने यहाँ के तारीखी शहर त्राबलस पर फतह और कामयाबी का परचम बुलंद किया। लेबिया के जनूबी इलाके फजान की फतह हजरत उकबा बिन नाफे रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों 663 ईस्वी में हुई थी। इनकी फतह के बाद बर्बर कबाइल ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। खिलाफते उमविया का दौरे हुकूमत में पूरे लेबिया पर इस्लामी परचम लहरा चुका था। खिलाफते अब्बासिया के दौरे हुकूमत में इस खित्ते को मजीद इस्तेहकाम मिला। खलीफा हारूनुर रशीद ने लीबिया को पूरे अफ्रीका में मजबूत तरीन मुल्क बना दिया। खिलाफते उस्मानिया चूंकि मुसलमानों की कायम करदा एक सल्तनत थी, उस्मानियों के लीबिया में दाखिले से पहले तक खलीफा हारूनुर रशीद की बनाई हुई पॉलिसियों की वजह से किसी दूसरी सल्तनत की हिम्मत न हो सकी
कि लीबिया को मात दे सके। हालांकि इसी अरसे में कई इस्लामी सल्तनतों के तख्ते उल्टे जा चुके थे। उस्मानी जब लीबिया पर काबिज हुए तो इस मुल्क ने मजीद तरक्की की। उस्मानियों के आखिरी दौर हुकूमत में जब इस्लामी सल्तनत इंतशार का शिकार हुई और इसने जंग अजीम ओवल में कूद जाने का फैसला किया, तो ये वो बुरा वक्त था जब लीबिया में तकरीबन 1300 साल बाद कोई गैर मुस्लिम मुल्क काबिज होने लगा था, क्योंकि इटली और उस्मानियों की 1912 में होने वाली जंग में उस्मानी हुकूमत लीबिया को अपने हाथों से खो चुकी थी। इटालियन हुकूमत और फौज यहाँ काबिज हो चुकी थी। इटली ने लीबिया पर तकरीबन 31 सालों तक हुकूमत की। इटालियन हुकूमत लीबिया पर तो कब्जा कर चुकी थी, मगर आजादी के उस जज्बे पर बिल्कुल नहीं जो मुसलमानों के दरमियान एक मुजाहिद उमर मुख्तियार ने उभारा हुआ था। इटली हुकूमत को जब लीबिया में हालात बेकाबू होते नजर आए तो उन्होंने उमर मुख्तियार को दिसंबर 1931 में तख्तादार पर लटकाने का फैसला किया। अतालवी हुकूमत का ख्याल था कि उमर मुख्तियार की मौत से आजादी की आवाज को दबा दिया जाएगा, मगर अल्लाह ने इस मुजाहिद की शहादत को जाया नहीं होने दिया, बल्कि इनकी मौत से तहरीक आजादी की आवाजें मजीद बुलंद होना शुरू हो गईं। लीबियाई अवाम ने शाह इदरीस की क्यादत में आजादी की तहरीक को इस कदर बुलंद किया कि लोग मौत की परवाह किए बगैर अतालवी हुकूमत के सामने डट गए। अतालवी हुकूमत ने इस मौके पर आजादी के मतवालों को कुचलने में कोई कसर न छोड़ी। 1940 से ही दूसरी जंग अजीम का आगाज हो चुका था, जिसमें होने वाली इटली की हार लीबियाई अवाम के लिए नवीद मुसर्रत बनकर आई। 1943 में लीबिया इटली से मुकम्मल आजादी पाकर इतिहादी अफवाज के कब्जे में आ गया, जिसका इंतजाम बरतानिया और फ्रांस के पास मुश्तरका तौर पर रहा। लीबिया के दो सूबों पर बरतानिया की हुकूमत थी, जबकि एक हिस्से पर फ्रांस का इक्तदार था। 24 दिसंबर 1951 को हुकूमत बरतानिया ने लीबिया की मुकम्मल आजादी का ऐलान कर दिया। बरतानिया ने शाह इदरीस को लीबिया की बादशाहत का ताज पहनाया। कहा जाता है कि बरतानिया ने लीबिया को आजादी तो दे दी थी, मगर कोई एहसान नहीं किया था, बल्कि शाह इदरीस को दी गई बादशाहत के पीछे तेल के वो खुफिया मुआहदे थे जिससे बरतानिया आने वाले कई सालों तक फायदा उठाता रहा। लीबिया की फौज और अवाम का एक ग्रोह शाह इदरीस के खिलाफ हो गया। बगावत की एक हवा चलने लगी। फिर वो वक्त आया जब एक फौजी अफसर मुअम्मर कजाफी की क्यादत में बागियों ने इस मुल्क पर कब्जा कर लिया। कब्जा करते ही शाह इदरीस की हुकूमत का तख्ता भी उठ दिया। मुअम्मर कजाफी ने हुकूमत की बागडोर अपने हाथों में लेते ही फौज की कमान और तमाम बड़े ओहदे अपने पास रखने का फैसला कर लिया। 1977 में कजाफी ने लीबिया को एक जमहूरी मुल्क करार दिया। मुल्क का नाम ममलकत लीबिया से लीबिया अरब जमहूरिया कर दिया। मुअम्मर कजाफी की जिंदगी के तमाम अदवार की वीडियो हमारे दूसरे चैनल पर लाजमी देखिएगा, क्योंकि कजाफी ने लीबिया के लिए वो काम शुरू किए थे जिनका सुनते ही यूरोपियों की रूह कांपने लगती थी। मुअम्मर कजाफी की जिंदगी की चंद बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, वो लीबिया को एटमी ताकत बनाना, मुसलमान ममालिक खासतौर पर तेल रखने वाले ममालिक को अपने साथ मिलाकर यूरोप का तेल बंद कर देना, यही वजूहत थी जिन्होंने यूरोप में लीबिया के खिलाफ आग लगाई। अकवामे मुतहदा ने लीबिया को दहशतगर्दी को फरोग देने वाले ममालक की फहरिस्त में डाल दिया। कजाफी को जालम करा दिया जाने लगा। कजाफी की रहाइश गाहों पर हमले किए गए। कजाफी ने आलमी ताकतों की दबाव की वजह से अरबों डॉलर मुख्तलफ लगाए गए झूठे इल्जामों की बुनियाद पर अदा किए, जो लीबिया और कजाफी ने कभी किए भी नहीं थे। इसराइल जंग में मिस्र का साथ देना, सदाम हुसैन की रिहाई के लिए लड़ने वाले वकीलों में एक वकील कजाफी की बेटी भी थी, क्योंकि कर्नल कजाफी हर तरह से सदाम हुसैन और इराक को अमरीकियों और नेटो से बचाना चाहता था। अरब जंग में इराक का साथ देना कजाफी को बहुत महंगा साबित हुआ। आर्मी ताकतों ने लीबिया पर इक्तसादी पाबंदियां लगाते हुए लीबिया को इस हालत में ला खड़ा किया कि जो लोग मुअम्मर कजाफी को अपना हीरो मानते थे वही दुश्मन मानने लगे। मुल्क में नई बगावतों ने जन्म लिया। कुछ बागी जिनको बरतानिया, अमेरिका और नेटो की पूरी हिमायत हासिल थी और अमदाद भी हासिल थी, मुअम्मर कजाफी की मौत के सर हो गए। मुअम्मर कजाफी वो इंसान था जिसके खानदान में कभी किसी ने बादशाहत का सपना भी नहीं देखा था। वो 42 साल तक लीबिया पर हुकूमत करके तारीख इस्लाम में सुनहरी हरूफ से अपना नाम लिखवा गया। बहुत से लोग कर्नल कजाफी को डिक्टेटर मानते थे, कोई जालम कहता था तो कोई जाबर, मगर मैं इसको अल्लाह का फरिश्ता कहूंगा, क्योंकि कजाफी के दौरे हुकूमत में लीबिया की अवाम खुशहाली के एक ऐसे दौर से गुजर रही थी जिसका लीबिया की अवाम आने वाले वक्तों में कभी सोच भी नहीं सकती।
जरूरतें जिंदगी की बहुत सी अशिया अराया को मुफ्त मुहैया की जाती थी। 2011 में जब नेटो ने मुअम्मर कजाफी की हुकूमत के खिलाफ जंग का आगाज किया और मुल्क से बागियों ने हवा दी तो जंग शुरू हो गई। अब एक तरफ लीबिया की फौज और दूसरी तरफ नेटो बागियों के पीछे छुपी हुई थी। जब अमेरिका और नेटो को कुछ बनता दिखाई ना दिया तो कर्नल कजाफी की सजाए मौत का हुक्म जारी कर दिया। हालांकि कर्नल कजाफी ने बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका या किसी दूसरे यूरोपीय मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ा था, उल्टा अरबों डॉलर इल्जामात के अदा करता रहा, मगर कर्नल कजाफी का नाम ही उन्हें मौत का पैगाम लगता था। 17 अक्टूबर 2011 को बागियों, जिनको अमेरिका की सरपरस्ती हासिल थी, उनके हाथों आलम इस्लाम के एक अजीम हुक्मरान को शहादत नसीब हुई। कर्नल कजाफी ने लीबियन कौम के साथ किए हुए उस वादे को निभाकर दिखाया कि वो जान तो दे देगा मगर लीबिया को छोड़कर कभी नहीं जाएगा। वो लोग जो उस वक्त सोचते थे कि कर्नल कजाफी जालम और जाबर है, उन्हें एहसास उस वक्त हुआ जब इस्लाम के गयूर बाजमीर होशमंद हुक्मरान के कत्ल के साथ ही लीबिया खाको खून में तब्दील हो गया। अगर आप भी कर्नल कजाफी के मुखालफीन में से हैं, तो चंद हकायक सुनिए और फिर फैसला आप खुद कीजिएगा। दोस्तों, लीबिया का शुमार दुनिया में तेल पैदा करने वाले 10 सबसे बड़े ममालिक में होता है। आज लीबिया में तालीम की शरह 89% मानी जाती है, मगर रिपोर्ट के मुताबिक अब इससे कम होती नजर आ रही है। कर्नल कजाफी के दौरे हुकूमत में यह शरह 100% हुआ करती थी। कर्नल कजाफी के दौरे हुकूमत में हर फर्द को सरकारी खजाने से एक घर बनाकर दिया जाता था। पैदाइश के साथ ही बच्चे के नाम वजीफा जारी किया जाता था। जो कोई शादी की वसत नहीं रखता था, उसकी शादी हुकूमती खर्चे पर हुआ करती थी। शादी के बाद कारोबार शुरू करने में मुकम्मल मदद की जाती थी। तेल और बिजली इस कदर सस्ता था कि मानो मुफ्त में मिलता था। मगर कजाफी के जो जुल्म थे वो यही थे कि उसने अमरीका और बरतानिया के कवानीन को अपनाने की बजाय अपने कवानीन बनाए। अफ्रीका में यानी यूरोप के करीब होकर सबसे पहले जौहरी हथियार बनाने की पहल की। अमरीकी कंपनियों को सरमायाकारी की इजाजत तो दे दी, मगर तेल की खरीदो फरोख्त अपनी शर्तों पर की। अरबों को इकट्ठा करने की पहल की, जब देखा अरब साथ नहीं दे सकते तो अफ्रीका में यूनियन बनाई। यही वो बातें थे जो अमरीका को खटकते थी। कजाफी की मौत के बाद मगरबी मीडिया ने वही किरदार अदा किया जो चंद साल तक हमारा मीडिया करता रहा, हर अच्छी खबर को छुपाना और हर बुरी खबर को हफ्ता हफ्ता ब्रेकिंग में रखना। बिल्कुल ऐसा ही मगरबी मीडिया ने किया। जहां बागी या कजाफी के मुखालफीन कोई जश्न मनाते, उसे हेडलाइन में रखा जाता। जहां कजाफी की मौत का सोग मनाया जाता, उसे बिल्कुल कवरेज ना दी जाती। अगर आप लोग लीबिया में जाने का सोच रहे हैं तो भूल जाइए, क्योंकि कजाफी के कत्ल के बाद से लीबिया का हाल बद से बदतर हो चुका है। हुकूमत और इकतदार नाम की वहां कोई चीज नजर नहीं आती। आज फिर से वही तारीख दोहराई जा रही है, यानी हर कबीले की एक अपनी हुकूमत वहां कायम है, जिनमें काबिले जिक्र दो ही कबीले हैं। एक कबीला इस्लाम पसंद है और दूसरा कबीला इस्लाम बेजार है। मगरबी लीबिया यानी त्राबलस शहर में इस्लाम पसंदों की हुकूमत 2014 से कायम है, जबकि मशरकी लीबिया यानी तिब्रिक में इस्लाम बेजारों की। अभी चंद रोज पहले 15 दिसंबर 2018 की यह खबर थी कि लीबियन अवाम कजाफी के बेटे सैफुल इस्लाम को सदारत की कुर्सी पर देखना चाहती है। अमन चाहने वाली अवाम आज भी कजाफी के खानदान से हालात वापस आने के ख्वाब सजाए बैठे हैं, मगर एक साल से ज्यादा अरसा हो चुका है कि सैफुल इस्लाम की कोई खबर नहीं। वीडियो के दूसरे हिस्से में जाने से पहले हम दुआ करते हैं परवरदिगार से कि ऐ अल्लाह पाक लीबिया को एक ऐसा हुक्मरान अता कर जो इसे दोबारा से वही ताकत दिलवाए जो खलीफा हारून रशीद ने लीबिया को अता की थी। एक ऐसा हुक्मरान अता कर जो लीबियन अवाम और इस्लाम का बोलबाला कर सके, जो मगरबी ताकतों के सामने सीसा पिलाई दीवार साबित हो सके, जो अपने मुल्क में अमन कायम कर सके। और तू रहम फरमा उन लोगों पर जो आज भी वहां तेरा नाम लेते हैं, और तबाह कर दे उन काफिरों को जो इस्लाम को नुकसान पहुंचाने का सोचते हैं, और हिदायत बख्श दे उन मुसलमानों को जो भटक चुके हैं और इस्लाम से भागने की कोशिश में हैं। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आजादी के बाद से लीबिया को जो रकबा मिला वो कुछ 17,59,541 मरबा किलोमीटर बनता है, और ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया के 16वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की आबादी 64,70,956 अफराद 2018 की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक थी।
आबादी के हवाले से इस मुल्क को दुनिया भर में 108वें नंबर पर शुमार किया गया था, जबकि हकीकत में इस मुल्क से 10 लाख से ज्यादा अफराद दीगर ममालिक की तरफ हिजरत कर चुके हैं, क्योंकि इराक, अफगानिस्तान और शाम तो कुछ भी नहीं, लीबिया की हालत इन सब से कहीं अबतर हो चुकी है। अब अवाम कहती है कि कजाफी ही ठीक था, अमरीका से दुश्मनी ही सही थी, अमरीका की इमदाद बहुत महंगी पड़ी है। कजाफी के दौरे हुकूमत में रोजाना का 16 लाख बैरल तेल निकला करता था, अब वहां सिर्फ 6 लाख बैरल तेल निकलता है, और वो भी जिन कंपनियों के कब्जे में है, वो भी मगरबी ताकतों के मातहत काम करती हैं। कुछ अरसा पहले वहां एक लड़ाई हुई जिसमें तेल के एक कुएं को आग लगाकर खत्म कर दिया गया। लीबिया के बारे में अगर दिलचस्प हकीकत की बात की जाए तो यह मुल्क मगरबी अफ्रीका का चौथा बड़ा मुल्क है। इस मुल्क के अगर महल की बात की जाए तो शुमाल में बुहेरा रूम वाकया है, मशरक की जानब मिस्र, जुनूब मशरक में सूडान, जुनूब में चाड और नाइजीरिया, और मगरिब में ट्यूनिस और अल्जीरिया यानी अल्जायर वाकया है। मुल्क की 97% आबादी मुसलमान है, जिनमें से 30% लोग इस्लाम से दूर हैं और यूरोप के पास नजर आते हैं। 0.7% मसीही आबादी यहाँ आबाद है, 0.3% बुद्धिज्म के मानने वाले, जबकि बाकी 1% दीगर मजहब का मजमुआ है। मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान अरबी है, लेकिन मुल्क के अंदर ज्यादातर लीबियन अरबी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है, जो जदीद अरबी से थोड़ा मुख्तलिफ बोली जाती है। दीगर ज्यादा बोली जाने वाली जुबानों में बर्बरी, नाफूसी, सिकना, गादमी और तमासिक जुबान अहम है। त्रिपोली, जिसे अरबी जुबान में त्राबलस भी कहा जाता है, मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ कदीम तरीन शहरों में से एक शुमार किया जाता है, जहां आज लीबिया की 17 लाख से ज्यादा आबादी आबाद है। एक शहर लिबनान में भी इसी नाम का है, इसीलिए लीबिया के त्राबलस को त्राबलुस मगरब कहा जाता है। मुल्क के दूसरे बड़े शहरों में अहम तरीन शहर बेनगाजी, मस्तारा, अलबीजा, खम्स और जाविया शहर हैं। लीबिया की करंसी को लीबियन दिनार कहा जाता है, जो दुनिया की मजबूत करंसियों में से 15वें नंबर पर शुमार की जाती है। इनका एक दिनार पाकिस्तानी 99.37 रुपयों, जबकि 51.15 इंडियन रुपयों के बराबर है। उर्दन, ट्यूनस, मिस्र और अमेरिका के शहरियों के लिए यहाँ दाखिले के लिए किसी वीजे की जरूरत नहीं होती, जबकि पाकिस्तानियों का शुमार उन ममालिक में होता है जिन्हें इमिग्रेशन हकाम की जानब से इन्विटेशन लेटर मौसूल होने की सूरत में वीजा ऑन अराइवल दिया जाता था। सियाहों पर लीबिया में $1,000 से ज्यादा मालियत की करंसी ले जाने पर पाबंदी आयद है। इसराइलियों और इसराइल का वीजा लगा होने वाले पासपोर्ट का लीबिया में दाखिला ममनू है। पाकिस्तान के ताल्लुकात भी अभी पिछले चंद सालों से लीबिया के साथ कशीदगी का शिकार है, क्योंकि सफारती सतह पर लीबिया में अमेरिका राज कायम हो चुका है, इसीलिए जिन ममालिक से अमेरिका को खतरा नजर आता है उनके दाखिले पर वहां पाबंदियां लगाई जाती हैं। पाकिस्तान, उर्दन, बांग्लादेश, सूडान, शाम और यमन, ये वो ममालिक है जिनके वहां दाखिले पर अब पाबंदी आयद है। 70 की दहाई में लीबिया में पाकिस्तानियों की तादाद 1.5 लाख के करीब थी, मगर आज लीबिया में सिर्फ 30,000 के करीब पाकिस्तानी आबाद है, और ज्यादातर पाकिस्तानी त्राबलस शहर और इसी शहर के गिर्दोनवा में रहते हैं। पाकिस्तानियों के लिए लीबिया एक वक्त में कुदरत का खजाना हुआ करता था, मगर लीबिया आज उन ममालिक में से एक है जहां पाकिस्तानियों की सबसे ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। आप में से शायद बहुत से दोस्त इस बात से अनजान होंगे कि लाहौर में वाकई पाकिस्तान के कजाफी इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम पहले ये नहीं हुआ करता था, बल्कि इसका नाम लाहौर स्टेडियम हुआ करता था और बाकायदा यहाँ मैचेस भी हुआ करते थे। कहानी कुछ यूं है कि 1974 में जब इस्लामी ममालक की इस्लामी कॉन्फ्रेंस लाहौर में मुनक्कद हुई तो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुअम्मर कजाफी भी पाकिस्तान आए हुए थे। उन्होंने इसी स्टेडियम यानी लाहौर स्टेडियम में एक खिताब किया था जब कजाफी ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों के हक में बात की थी और न्यूक्लियाई हथियारों के लिए पाकिस्तान को खुफिया मदद भी की थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने मुअम्मर कजाफी के नाम पर इस स्टेडियम का नाम बदलकर कजाफी इंटरनेशनल स्टेडियम रख दिया था। दोस्तों, लीबिया का कॉलिंग कोड +218 और डोमेन नेम .ly है। लीबिया पाकिस्तान से 5072 किलोमीटर की दूरी पर वाकया है। लीबिया वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। 2011 में जब लीबिया में खाना जंगी अरूज पर थी, लीबिया के परचम में चांद और सितारे को खत्म कर दिया गया था।
मगर कजाफी की मौत के बाद एक बार फिर से पुराने झंडे को दोबारा लहराया गया और सबसे पहले इस झंडे को फ्रांस में मौजूद लीबिया के सफारतखाने में लहराया गया था, क्योंकि फ्रांस ने ही ब्राय नाम के इस इनकलाब के बाद लीबिया के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल किए थे। फ्रांस और बरतानिया ही वो दो मुल्क थे जिन्होंने अमेरिका के बाद वहां सबसे ज्यादा लूटमार मचाई थी और तेल और गैस के कुओं पर कब्जे कर लिए थे। गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वाले लाखों अफराद मौत की अब्दी नींद सो चुके हैं, मगर आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि इनमें से ज्यादातर का ताल्लुक लीबिया से ही है। आए दिन कोई ना कोई खबर लीबिया के मुहाजरीन की कश्ती डूबने की आती रहती है। लीबिया की 1770 किलोमीटर की साहली पट्टी है। लीबिया का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां बारिशें बहुत कम होती हैं। एक वक्त था जब लीबिया पेट्रोलियम मसनूआत के साथ साथ सोने, लोहे, स्टील, तांबे और एल्युमिनियम की सनत से अरबों डॉलर कमाता था, मगर आज सब दुश्मनों के कब्जे में है। मौसमी हालात नासाजगार होने की वजह से लीबिया को 75% फूड रिलेटेड अशिया इम्पोर्ट करवाना पड़ती है। लीबिया अफ्रीका में सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क है। त्राबलस की बंदरगाह इस मुल्क की कदीम सबसे बड़ी और सबसे मसरूफ तरीन बंदरगाह है। लीबिया की आबादी ज्यादातर साहिल समुद्र के साथ साथ रहती है। सिर्फ बर्बर कबाइल से ताल्लुक रखने वाले अफराद या वो कबाइल जो देही जिंदगी को अहमियत देते हैं सहारा डिजर्ट में रहते हैं। लीबिया में एक वक्त था कि कोई औरत बिना हिजाब के नजर नहीं आती थी। हाय हेलो की बजाय अस्सलाम वालेकुम कहा जाता था, मगर आज हाय हेलो का रिवाज और औरतों में मगरबी लिबास की झलक खासी दिखाई देती है। फुटबॉल लीबिया की सबसे मकबूल और कौमी खेल है। ऊंटों और घोड़ों की दौड़ यहाँ की दूसरी पसंदीदा खेल है। अरेबियन ईगल इस मुल्क का कौमी परिंदा है। अनार का फूल इस मुल्क का कौमी फूल है, क्योंकि एक वक्त था जब लीबिया का शुमार अनार की एक्सपोर्ट करने वाले बड़े बड़े ममालिक की फहरिस्त में हुआ करता था, मगर हालात के पेश नजर आज अनारों के बाग बिल्कुल दिखाई नहीं देते। दोस्तों, ये थी लीबिया के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक कीजिएगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मालूमती और तफरीही वीडियोज आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ। हम वीडियोज में कैसे बेहतरी ला सकते हैं अपनी तजावीज से हमें जरूर आगाह करिएगा। मिलेंगे ऐसी ही किसी मालूमती वीडियो के जरिए। तब तक के लिए अपने इस दोस्त मोहम्मद नबील को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।